नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। नगर के हरा की चुंगी पर स्थित जिला चिकित्सालय के आसपास प्रशासन ने अतिक्रमण को हटा दिया, जिससे अतिक्रमण की जद में आए सैकड़ों ठेला खुंचा वाले गरीब तबके के लोग परेशान हैं। परेशान लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और मांग किया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे ये सभी लोग जिला अस्पताल व उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षों से ठेला खुंचा और फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपनी और अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन गरीब एक महापूर्व अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान इनकी दुकानों में उजाड़ दी गई, जिससे ये सभी लोग परेशान हैं। इनका आरोप है कि कोरोना काल के दौरान ये सभी लोग दो वर्षों से जैसे तैसे जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन उन्हें जीने नहीं दे रही। लोगों ने मांग किया कि उनको रोजगार करने के लिए प्रशासन कई उचित स्थान पर जमीन उपलब्ध कराए। मामला यही दुकान दौरी जो है एक महीना कले कले एक महीना हो गए हटा दिया दुकान दौरी लेके, सब लोग जो है भिखारी होके आ कहाँ से उधर तक कोरोना काल में सब परेशान रहे, भुखमरी के शिकार हो गए, आ इधर जो है दुकान दौरी हटा के अब हम लोग कहाँ जाल जा। अरे डीएम साहब हटाओ ना, अब पूरी सब लोग हटा के अब कहाँ हम लोग जाल जा। हम लोग की यही है कि अब जब ना हम लोग के चौकी वाले परेशान रोज दरोगा साहब करत हुआ, अगर हम लोग के अब ना दुकान दौरी लगी तो हम लोग जितना जनी दुकानदार हैं सब अपन बाल बच्चा लेके फांसी लगा के वही जो मर जल जाए। एक बाद हम लोग की कोई छुटकारा मुक्त मिल जाए कम से कम। आज डीएम साहब से मिली आप लोग? हाँ, नहीं डीएम साहब से जो मैं लेके गई एप्लीकेशन देनी है। क्या बोल? हाँ, लिख के जो है डीएम साहब रखना है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।